हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइडर पटेल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ अलग लेके आए। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों गोभी मंचूरियन बनाने की रेसिपी। पत्ता गोभी से बनने वाली मंचूरियन कैसे बनती है, पूरा विवरण इस वीडियो में आपको दिया गया है। वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा के रखें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। और यहाँ पर 5 किलो पत्ता गोभी ली है, और इस पत्ता गोभी से आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन। कैसे बनाते हैं वीडियो को पूरा देखिए, समझ आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाला ऐसा जाली जिस पर मंचूरियन हमें घिसना है, देखिए। और एकदम बारीक बारीक तरह से स्लाइस कर लेना पूरा कैबेज को। तो पूरा कैबेज हमने यहाँ पर पत्ता गोभी को पूरा स्लाइस करके पूरा इसका बारीक कर लिया है। तो गाइस, अभी ये कैबेज हमने रखा है, इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच जो करीब 100 ग्राम है। नमक, और अब नमक ऐड कर रहे हैं। टेस्टिंग पाउडर, मतलब ये कौसर था, टेस्टिंग सॉल्ट, चाइनीज नमक रहता है, अजीनो मोटो भी बोलते हैं, और इसको अजीनो मोटो भी बोलते हैं। और इसके बाद में मिर्ची पाउडर ऐड होगा इसके अंदर, ये जितने भी मसाले इसमें ऐड कर रहे हैं वो करीब 100 ग्राम के हिसाब से है। इसको अभी इसको मिलाने में, अभी इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे पूरा। और अभी मंचूरियन को जो हम कलर देते हैं उसके लिए आर्टिफिशियल फूड कलर आता है रेड कलर, वो थोड़ा सा 1 चम्मच जितना डालना है ये कलर, ऑरेंज रेड बता रहे। अभी इसको अभी हमने मंचूरियन को जो गोभी हमने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया मसाला, और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था हमने, जिससे कि अच्छा पूरा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें आगे का स्टेप आपको बताते हैं। तो गाइस, अब हम इसके अंदर आगे का स्टेप जो है वो हम ऐड करेंगे। इसमें कौन सा आटा मिलता है, मैदा, ये मैदा है। यहाँ पर हम इसके अंदर मैदा ऐड कर रहे हैं, जो करीबन 1 किलो मैदा है। और ये जो हमने गोभी जो लिया है मंचूरियन के लिए, कुल 5 किलो गोभी हमने कट करके लिया है, और 1 किलो इसके अंदर ये मैदा ऐड कर रहे हैं। उसके बाद कॉर्नफ्लोर, और आधा किलो जितना हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये है कॉर्नफ्लोर का आटा, दोनों व्हाइट ही कलर है, आपको समझ नहीं आएगा। पहले जो डाला मैदा है, और ये है कॉर्नफ्लोर। अभी इसको डालने के बाद इसको अच्छा मिलाने का है, और इन दोनों को डालने के बाद, इन दोनों को पहले मैदा और अरारोट मिक्स करने के बाद, फिर बाद में पूरे मंचूरियन को अच्छे से इसके अंदर मिला लेना है। मिलाने के बाद अच्छा सा पीस हो जाता है। मैदा, कॉर्नफ्लोर और जो कैबेज हमने कट करके लिया, पूरा अच्छे से मिक्स कर ले, पूरा अच्छे से मिला ले, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर अब सब कुछ इसके अंदर ऐड हो गया है। आप देख सकते हैं मसाले हमने पूरे ऐड कर दिए हैं, और मैदा, कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है, और इसके अंदर हमने आधा लीटर पानी भी डाला है, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए और आटा पूरा गोभी को सेट हो सिपक जाए। ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गोभी ऑलरेडी पानी वाली होती है, इसमें पानी छोड़ता है। और अब हम तेल फ्राई गर्म करके सीधा मंचूरियन फ्राई करेंगे, तो वो आगे का स्टेप हम आपको बताते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, जिसमें 5 लीटर ऑयल हमने डाल दिया है गोभी मंचूरियन को फ्राई करने के लिए। तो तेल अभी गर्म है, और अब हम मंचूरियन यहाँ से फ्राई करेंगे। तो मंचूरियन का लोई, वो गोली कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से लेना है और इस तरह सीधा कढ़ाई में छोड़ना है। ये देखिए जहाँ ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म रखें ताकि जो मंचूरियन है अंदर से और बाहर से अच्छी तरह से फ्राई हो। ज़्यादा गर्म करें काला हो जाता है बाहर। ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो जो मिर्ची है हमारी, सॉरी जो मंचूरियन है वो ऊपर से ब्लैक हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो मैं तो दिखा वीडियो में छोड़ता हूँ, तुम तो दिखा दो। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नई नई रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने। तो अभी मंचूरियन हम पूरा छोड़ देते हैं तेल में, और कैसे पकाना है, कितनी देर तक पकाना है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पर हमने कुल मिलाकर पूरे एक कढ़ाई जितने में मतलब जितनी बड़े कढ़ाई उतने पूरे हमने मंचूरियन डाल दिए हैं। अच्छा धीरे से अच्छे से पक रहा है, और मीडियम आंच पर हम इन्हें पका रहे हैं ताकि ये पूरा अच्छी तरह से पक जाए अंदर तक। तो अब हम मंचूरियन को बीच बीच में घुमाते रहेंगे और करीब 5-10 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से ये पूरी फ्राई हो जाएगी। तो गाइज अभी हमारे यहाँ पर मंचूरियन बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इनको बाहर लेते हैं। आप देख सकते हैं पूरा एक तरह से एक जैसा पूरा फ्राई हो चुका है। तो रेसिपी को ठीक से फॉलो कीजिए, आप भी आसानी से बना पाएंगे। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा बाहर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मंचूरियन हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और आसान, और यहाँ पर देख तोड़ कर दिखाता हूँ एक पीस। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से भी पक गया है दोस्तों। तो इस तरह से आपको बनानी है गोभी मंचूरियन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, और आप इस मंचूरियन को ऐसे भी खा सकते हैं, और आप इसको टोमेटो केचप है रेड चिल्ली के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।